हेलो दोस्तों, एके क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में आज हम क्लास 9th का पहला चैप्टर करेंगे, जो है भारत आकार और स्थिति। इस चैप्टर में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि भारत की स्थिति एवं आकार कैसा है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देशों से लगती है, चाहे वो स्थली हो या फिर सागरी हो, मतलब चाहे लैंड बाउंड्री हो या फिर ओशन की बाउंड्री हो। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ हम लोग मैपिंग का भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है फैक्चुअल है, और उसके साथ साथ जो इंडिया का मैप है उसके थोड़े से बाउंड्रीज और उसमें जो चैनल्स बनते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, भारत आकार एवं स्थिति। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि इंडिया ने हरित क्रांति के बाद बहुत ग्रोथ किया है। उसमें बीच में एक ऐसा पड़ाव आया था कि इंडिया की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा डगमगाई थी 1991 के बाद, और उसके बाद फिर इंडिया ने बहुमुखी हर क्षेत्र में ग्रोथ किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इंडिया ने बहुत ग्रोथ किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया की स्थिति कैसी है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था गोलार्ध के बारे में, तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है और ये हमारा इक्वेटर है, तो इंडिया यहाँ पर कहीं लाई करता है। ठीक, तो ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है ये ईस्ट और वेस्ट में, पूरब और पश्चिम में पृथ्वी को बांटती है, और ये इक्वेटर जो हमारा है, भूमध्य रेखा जो है, ये नॉर्थ और साउथ में बांटती है पृथ्वी को। तो अगर इस तरह से देखें तो इंडिया हमारा पड़ता है नॉर्थ में और ईस्ट में। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पूर्वोत्तर। ठीक है, तो भारत यह है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध में है यहाँ पर। ठीक, और इसका जो मुख्य भाग है, अब यहाँ पर लैंड बाउंड्रीज की बात की गई है कि इंडिया का जो मैप बनता है उस मैप में ये जो नीचे वाला, जो ये वाला जो पॉइंट है मेन लैंड का इंडिया का, इस यहाँ पर जो पास करने वाली अक्षांश रेखा है इसको बोला गया है 8.4 डिग्री। ठीक, और इसका जो उत्तरी अक्षांश है यहाँ पर ये है 37 डिग्री 0.6 मिनट। ठीक, और 68 डिग्री 7 मिनट ये यहाँ पर पड़ता है, और 97.25 ये इधर पड़ता है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि जो इंड पॉइंट्स हैं उनके कौन कौन से नाम हैं। क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी हम लोग ईस्टर्न में, ईस्टर्न और सदर्न और मतलब पूर्वोत्तर जो आखिरी पॉइंट होता है, जैसे मान लो कि सबसे ज़्यादा पूर्वी पूर्व में कौन सा है इंडस वैली में, तो उसमें बोलते हैं आलमगीर है। ठीक है, और अगर उत्तरी देखें तो यहाँ पर मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर दैमाबाद पड़ता है जो सदर्न मोस्ट साइट है, वेस्टर्न मोस्ट साइट में क्या पड़ता है जैसे कि सुदगा जोडोर पड़ता है जो पाकिस्तान में पड़ता है। उसी तरह अगर इंडिया को देखें तो इंडिया का जो उत्तरी सबसे टॉप पॉइंट है इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है, और जो हमारा पूर्वी भाग है जो सबसे ज़्यादा पूर्व में स्थित है इंडिया के, तो इसको बोलते हैं किबूथू। ठीक है, इसका इंग्लिश में है की के आई बी आई THOO। ठीक है, किबूथू ये पड़ता है अरुणाचल में। ठीक, इसके बाद जो हमारा ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये मेनलैंड में, इसमें बोलते हैं केप कैमोरिन, एक जगह है केप कैमोरिन, या फिर इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक, केप कैमोरिन पड़ता है कन्याकुमारी में। ठीक है, और जो हमारा इधर वेस्टर्न मोस्ट है इसको बोलते हैं गुहार मोती। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, हिंदी में तो समझ में आ ही जाएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं गुहार मोती। ठीक है, इंग्लिश में इसका ये है GHUARMOTI, कहीं पर ये कहीं कहीं पे MOTA भी लिखा रहता है। ठीक, ये चारों पॉइंट हमें समझ में आ गए। तो ये पॉइंट पड़ता है हमारा 37.6, ये वाला पॉइंट हमारा पड़ता है 8.4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट, और ये पॉइंट पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट, और ये पॉइंट पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अब जो इंडिया है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से लगभग यहाँ से एक रेखा निकलती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ पर आकर 23.5 डिग्री पर बनती है। ठीक है, ये पूरा ऐसे क्रॉस करती है, इमेजिनरी लाइन है। तो ये ठीक है, इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक, अब इसमें जो मुख्य भूभाग है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, अब देखो यहाँ पे बताया गया कि इसका जो दक्षिण पूर्व हिस्सा है, जैसे कि अब ये हमारा, अब जैसे मैप में हमेशा क्या होता है, मैप में हम लोग इसको उत्तरी देखते हैं, दक्षिणी देखते हैं,
और ये पूर्वी देखते हैं, ये पश्चिमी देखते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो हो गया उसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व बोल देंगे, ये वाला हिस्सा बोलेंगे दक्षिण पश्चिमी। तो इंडिया के जो इस वाले हिस्से पर, यहाँ पर आप देखते हो दक्षिण जो क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एरिया है, यहाँ पर क्या मिलेगा, अंडमान निकोबार मिलेगा। इस एरिया में हमें लक्षद्वीप मिलेंगे, ठीक है, द्वीप समूह जो इंडिया के है। तो दक्षिण पश्चिम में क्या मिलेगा, लक्षद्वीप, और दक्षिण पूर्वी में हमें मिलेगा अंडमान निकोबार, ठीक है। और ये, हाँ एक और चीज बता दूं कि ये वाला जो एरिया पड़ता है इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और ये जो एरिया पड़ता है इसको बोलते हैं अरब सागर, ठीक, और ये पूरा हमारा हिंद महासागर, ठीक। अब इंडिया का जो आकार है, आकार के बारे में बात करते हैं, ये जो पूरा आकार है इसके बारे में बात करते हैं। तो पूरे जो विश्व में जो लैंड है, ठीक है, उसका अगर देखें क्षेत्रफल, विश्व का जो क्षेत्रफल अगर देखा जाए, तो इंडिया का क्षेत्रफल मात्र 2.4% है पूरे विश्व का भूभाग जो क्षेत्रफल का है, ठीक है। अब इस 2.4 में लगभग 16.5 ये 17% पॉपुलेशन रहती है पूरे विश्व की, ठीक है। तो इस समय तो इंडिया वैसे भी नंबर 1 चल रहा है पॉपुलेशन के मामले में, वर्ल्ड में नंबर 1 है, उसके बाद चाइना आता है, ठीक। और इसका जो कुल एरिया पड़ता है वो 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक पॉइंट है जो इंदिरा पॉइंट, जो हमारा अंडमान निकोबार के पास पड़ता था, निकोबार आइलैंड में पड़ता था बिल्कुल यहाँ पर नीचे, जो इंडिया का सबसे दक्षिणतम बिंदु हुआ करता था, जो 2004 में जब सुनामी आई थी तब वो जलमग्न हो गया, मतलब जल के अंदर वो चला गया, ठीक, एक फैक्ट है। और जो मैंने बताया कि वो जिसमें जो एरिया के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया का नाम 7वें रैंक पे आता है, ठीक। अब देखिए बाउंड्री के बारे में थोड़ा यहाँ पर मैप से देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। अब ये स्थलीय रेखा की बात करता है, स्थलीय सीमा इंडिया की, तो स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, ये लैंड एरिया है और ये ओशन एरिया है। तो यहाँ से ये जो पूरी बाउंड्री यहाँ से ऐसे करके बनी है पूरा ऊपर तक, ये पूरा ऐसे करके घूम के, ठीक है। तो इस पूरी बाउंड्री की बात कर रहा है, तो ये पूरी बाउंड्री अगर देखें तो 15,200 किलोमीटर इसका पूरा लेंथ आता है। अगर वेरी एग्जैक्ट की बात करें तो ये लगभग मतलब 15,106.7 किलोमीटर, ये जो डेटा है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके हिसाब से ये डेटा है। अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि इनको हमें सीरियल से लगाने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एरिया है या पाकिस्तान है, यहाँ तक पाकिस्तान की बाउंड्री पड़ती है यहाँ से, ठीक है, ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान की बाउंड्री पड़ती है। तो इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और ये जो एरिया पड़ता है यहाँ से यहाँ तक जो सीमा पड़ती है ये अफगानिस्तान से सीमा बनती है इंडिया की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डूरंड लाइन, ठीक है। अब डूरंड लाइन का कॉन्सेप्ट कैसे आया था कि जब इंडिया और पाकिस्तान जो है वो जब एक था, तो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान से जो बाउंड्री बनाई थी उसको डूरंड लाइन कहते थे, ठीक है। अब जब बंटवारा हुआ तो बीच में एक और मिस्टर रेडक्लिफ आए, उन्होंने जो लाइन बनाई, तो उसको पाकिस्तान के बीच में जो लाइन बनाई तो उसको रेडक्लिफ लाइन बोला गया, और जो बचा हुआ लाइन था वो पहले पुराना नाम है उसका डूरंड लाइन, ठीक। और इसके बाद जो यहाँ से लेके जो बाउंड्री आती है यहाँ तक, फिर ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ तक सिक्किम के पास, पर यहां से ये थोड़ा सा यहां तक, ठीक है, ये चाइना से बाउंड्री बनती है, और ये जो यहां से हिस्सा बनता है ये नेपाल से बाउंड्री है, ये भूटान से बाउंड्री है, और फिर ये बांग्लादेश की बाउंड्री है, और यहां से ये म्यांमार। तो एक हम लोग यहां पे नोट कर लेते हैं, फैक्चुअल कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो बांग्लादेश से सबसे लंबी बाउंड्री इंडिया की बनती है, ठीक। तो बांग्लादेश से कितना किलोमीटर बनता है, बांग्लादेश से बनता है 4,096.7 किलोमीटर। अब ये जितनी भी वैल्यू मैं लिखूंगा सारी किलोमीटर्स में है। दूसरा हमारा है चाइना का, तो चाइना से कितने डिस्टेंस है, 3,488 किलोमीटर। उसके बाद आता है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में हमारी पड़ती है 3,323 किलोमीटर। उसके बाद आता है नेपाल, नेपाल की बनती है 1,751, ठीक है। फिर उसके बाद आता है म्यांमार, म्यांमार की बाउंड्री बनती है 1,643। भूटान की बाउंड्री बनती है, सॉरी भूटान की बाउंड्री बनती है 699, लगभग 700 के आसपास। और अफगानिस्तान से सबसे कम बाउंड्री इंडिया की साझा होती है 106, ठीक है, 106। तो अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने अपने कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला हुआ है जिसमें सारा मैप के साथ सारी बाउंड्री विद किलोमीटर्स डिनोट की गई है, ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमने देखा कि कैसे बाउंड्री साझा होती है, ठीक। अब दूसरा है कि समुद्र तटीय जो रेखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ,
अब देखो एक चीज और है, जैसे कि अगर हम ये वाली बाउंड्री देखें तो ये ओशन वाली बाउंड्री है, यहाँ तक गुजरात हो गया, फिर ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, यहाँ से होते हुए यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक, यहाँ पर ये बाउंड्री आती है। तो ये अगर ये बोलेंगे इसको मेनलैंड की जो तट रेखा है, ठीक। अब इसमें लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे जो द्वीप हैं, इनकी भी एक समुद्र में तटीय रेखा होती है, और इनकी भी, ये अंडमान निकोबार है, इसकी भी तटीय रेखा होती है। तो इन सबको जब ऐड करेंगे, सॉरी, इन सबको जब ऐड करेंगे, जिसमें हमारे राज्य भी आएंगे और प्लस यूटीज, यूटी नहीं कहेंगे इनको, द्वीप समूह कह दें ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। द्वीप समूह जो हमारे होते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, तो इनको जब देखेंगे तो हमारा पूरा ऐड करने के बाद आता है 7,516.5, इतना किलोमीटर एग्जैक्टली इतना आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हमसे पूछा जा सकता है कि कितना है, इसको अरेंज करें, सीक्वेंस में लगाएं, सबसे ज़्यादा तटीय रेखा कौन सा स्टेट साझा करता है, ठीक है। तो उसको भी नोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कोस्टल लाइन, जिसको बोलते हैं तटीय रेखा। तो सबसे बड़ी अगर तटरेखा राज्य में देखें तो कहाँ से है, गुजरात में, जो यहाँ पे कटा फटा है, बहुत ही लंबा है। देखने में तो हमें यहाँ लगेगा कि आंध्रा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे कट हैं उसकी वजह से यहाँ की तटरेखा ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो गुजरात सबसे नंबर वन पे आता है, तो गुजरात की जो तटरेखा है वो पड़ती है 1214, ठीक है, इतने किलोमीटर। उसके बाद पड़ता है आंध्रा हमारा सेकेंड रैंकिंग में, आंध्रा की है 973.7, ये सारे किलोमीटर्स में है, सभी किलोमीटर्स में है, ठीक है। उसके बाद हमारा पड़ता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है 906 किलोमीटर। फिर पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है 652 किलोमीटर। इसके बाद है केरल, ठीक, केरल है 569.7। देन उसके बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा है 476.4 किलोमीटर, 476.4 किलोमीटर। उसके बाद आता है हमारा कर्नाटका, ठीक, कर्नाटक पड़ता है 280 किलोमीटर। उसके बाद आता है बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल पड़ता है 157.5। फिर लोवेस्ट जो आता है राज्यों में वो है गोवा, 101 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें तो हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट है गुजरात और लोवेस्ट है गोवा, और स्टेट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, तो 9 स्टेट हैं, ठीक। और यूटीज कौन कौन सी आती हैं, तो यूटीज हमारी यहाँ पर पड़ती हैं, लगभग 4 यूटीज पड़ती हैं। एक हमारा है अंडमान निकोबार, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लेता है तट पे, तटीय रेखा, वो है 1,962 किलोमीटर। उसके बाद पड़ता है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप का पड़ता है 132 किलोमीटर। देन पुदुचेरी आता है। अब जैसे मान लो आपको पता है पुदुचेरी का, पता है कि पुदुचेरी एक ऐसा यूटी है जो 3 स्टेट में फैला है, ठीक है, 3 स्टेट में। तो मेन जो पुदुचेरी है वो इधर कहीं पड़ता है, यहाँ पर, इसका एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ पर केरल में, जिसको बोलते हैं माहे, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इधर, इसको बोलते हैं कराईकल, कराईकल, एक तो वो स्वयं है पुदुचेरी, दूसरा एक पड़ता है यनम, ठीक है, वो यहाँ पर कहीं पड़ता है, ठीक है, यनम, ये पड़ता है आंध्रा में, ठीक है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट, तो यहाँ पर पुदुचेरी कितना किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, ये शेयर करता है 47.6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर एक दमन दीव, तो दमन दीव हमारा कितना है, 42.5 किलोमीटर, ठीक। तो इस तरह से हमने कोस्टल लाइन भी देख ली और लैंड बाउंड्रीज भी देख ली। ये अगर पूरा आप ऐड करते हैं जिसमें यूटी भी शामिल करेंगे, तब जाके ये 7,516.6 किलोमीटर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाउंड्री देखी जा रही है, ठीक है। और अभी एक ये बताया गया कि भारत का जो उत्तर पश्चिम एरिया है, और जो उत्तर से उत्तर पूर्वी जो सीमा है, वहां पर बलि पर्वत पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इंडिया की उत्तर पश्चिम सीमा है और ये है उत्तर पूर्वी सीमा, ठीक
तो आपको पता है कि यहाँ पर जो सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में, उसके बाद यहाँ से हिमालय की तीनों रेंज शुरू हो जाती हैं, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ठीक है। फिर यहाँ से ये हिमाचल शिवालिक श्रेणियाँ, ठीक, ये पूरा यहाँ पर पूरा यहाँ तक बलित पर्वत बनता है हिमालय का, तो वही उन्होंने बताया है। और यहाँ पर जैसे जैसे आप पूर्वोत्तर की तरफ जाते जाएंगे तो हिमालय संकरा होता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है, जैसे अगर देखें तो ये ऐसे करके हो जाता है, ठीक। क्यों होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें एक चीज और समझते हैं कि 22 डिग्री के बाद, जैसे यहाँ पर आप देखोगे गुजरात के बाद नीचे, तो यहाँ गुजरात है, गुजरात के बाद भारत जो है नीचे की तरफ ट्राइंगल की तरफ सिकुड़ता हुआ चला जाता है, संकरा होता चला जाता है, ठीक है। और इसके पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी है, बताया ऑलरेडी। अब अगर देखें कि हम इसमें पूरा जो विस्तार देखते हैं, पूरा इंडिया का अगर मैप देखेंगे, तो यहाँ पर अक्षांश रेखा अगर हम यहाँ काउंट करते हैं तो इसके और इसके बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है, 30 डिग्री अक्षांश का अंतर, अक्षांश नहीं सॉरी, देशांतर का अंतर आता है, ठीक है। और जैसे हमने माना, हम लोगों को पता था कि 360 डिग्री जैसे पृथ्वी घूमती है, तो 360 डिग्री अगर घूमनी घूम रही है पृथ्वी, ठीक है, तो 360 डिग्री अगर घूमेगी तो उसको कितना टाइम लग रहा है घूमने में, 360 डिग्री उसको घूमने में 24 घंटे लग रहे हैं, ठीक। तो 1 घंटे में वो कितना घूमेगा, इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो 15 डिग्री वो 1 घंटे में घूमती है, ठीक। अब यहाँ पे कितना अंतराल है, 30 डिग्री का, तो मतलब ये है कि जो इंडिया का जो पूर्वोत्तर भाग है और जो पश्चिमी भाग है, इसके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम गुजरात में सूर्योदय का टाइम देखें और जो पूर्व अरुणाचल में सूर्योदय का टाइम अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। और जैसे हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जब हमें टाइम का एक स्टैंडर्ड याम्योत्तर या स्टैंडर्ड मानक मानना होता है तो हम लोग उस देश का भौगोलिक देशांतरी विस्तार देखते हैं, ठीक है। और देशांतरी विस्तार में जो देशांतर हमारा बीचों बीच या मध्य से जा रहा होता है उसको ही हम अपना टाइम अंतराल मान लेते हैं, उसको ही हम अपना मानक याम्योत्तर मान लेते हैं जिससे हमारा टाइम का आकलन होता है, ठीक है। तो इंडिया में अगर देखें तो ये 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स का जो देशांतर जाता है उसको हम मानक याम्योत्तर मानते हैं। तो ये यूपी के लगभग मिर्जापुर के पास से होके गुजरता है, ठीक है, तो मिर्जापुर के पास से होके गुजरता है तो इसको हम इंडिया का मानक याम्योत्तर मानते हैं, ठीक, वही यहां पर बताया गया। और एक चीज और कि अक्षांश में जब अंतर आता है, जैसे मान लो यहाँ जम्मू कश्मीर है और यहाँ पर कन्याकुमारी है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने लगती हैं, जैसे इक्वेटर पे लंबवत पड़ती हैं, और जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे तो हमारा सूर्य की जो किरणें हैं हल्का से टेपर तिरछी होने लगती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि दिन और रात में अंतर आता है। तो अगर अक्षांश का ये प्रभाव होता है कि जैसे यहाँ से जो हमारा विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो उसमें दिन और रात में अंतर आता है, उसका कारण है कि अक्षांश रेखाएं में अंतर आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों माना गया पूर्वी देशांतर को भारत का मानक, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये लगभग मध्य से गुजरती है, दिन और रात में अंतर क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और एक चीज और कि भारत और विश्व में अगर देखें तो विश्व का जो एशिया का जो एशिया जो महाद्वीप है, एशिया जो महाद्वीप है उसमें ये जो महाद्वीप है इसमें देखेंगे कि अगर इसको 3 भागों में बांट देते हैं ऐसे करके, ये पहला भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो ये हमारा वेस्टर्न एशिया हो गया, ये ईस्टर्न एशिया हो गया, मतलब ये पश्चिम एशिया हो गया, ये पूर्वी एशिया हो गया, ये मध्य एशिया हो गया। तो मध्य एशिया का दक्षिणी विस्तार पड़ता है इंडिया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो इंडिया है, भारत है जो, वो मध्य एशिया का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, उसकी स्थिति जो केंद्रीय मतलब सेंटर पे पाया जाता है, और वो नीचे की तरफ हुआ है, नीचे की तरफ मतलब दक्षिणी भाग में है। तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, ठीक है। अब हिंद महासागर कैसे मिलाता है उसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वी देश हैं, ठीक है, तो पूर्वी देश से यहाँ पर जैसे मान लो कोई शिप आ रहा है, यहाँ से ट्रांजिट किया, और ये यहाँ से लाल सागर होते हुए यहाँ पर स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल से होकर मध्य जो मेडिटेरियन सी है यहाँ से गया और फिर यूरोप में एंट्री करता है, यहाँ से भी यूरोपीय देशों को एक्सेस करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हिंद महासागर एक सुविधा प्रोवाइड करता है इन ईस्टर्न एशियाई देशों को, यूरोपीय देशों को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज ऊपर लिखी गई है, ठीक। अब हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय स्थिति वो भारत जैसी नहीं है, ठीक है, भारत की सबसे ज्यादा अगर तटीय स्थिति देखें तो
तो इंडिया की स्थिति बहुत ही मजबूत है तट रेखा के मामले में, और इसके कारण ही कि इंडिया का जो व्यापार रहा है पुराने समय से, अगर देखें हमारे प्राचीन काल से भी, तो इंडिया का व्यापार होता रहा है। इसी वजह से भारत की जो सभ्यता है उसका विस्तार हुआ। ठीक है, अगर आप देखें कि ये जो मलेशिया मलेशिया और थाईलैंड, इधर इंडिया के जो सनातन धर्म की बहुत सारी, आपको बहुत सारे साक्ष मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे। अब ये सीवेज नहर के बारे में बताया गया कि ये 1869 में जब खुली, उसके बाद क्या होता है कि इंडिया और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ये पीसीएस का PYQ है, 2018 या 19 में आया था। ठीक है, तो कितने किलोमीटर की दूरी कम हुई ये पूछा गया था उन्होंने। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जब ये लाइन नहीं खुली हुई थी तो यहाँ से लोग ऐसे टर्न करके अफ्रीका को क्रॉस करके फिर इधर आते थे। ठीक है, तो ये जो दूरी हुई, ये दूरी कम हो गई जब उन्होंने यहाँ से सीवेज को क्रॉस, सीवेज लाइन जो है, स्वेज लाइन जो है, सीवेज लाइन को क्रॉस करके इधर यूरोप की तरफ एंट्री करना शुरू किया। ठीक, अब ये पॉपुलेशन के हिसाब से दिखाया गया है कि प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, तो दिखाया गया कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, जगह के हिसाब से लोग कैसे निवास करते हैं उसके बारे में बताया गया कि विश्व के साथ बड़े देश कौन कौन से हैं। ठीक है, आकार के हिसाब से, तो आकार के हिसाब से रूस सबसे बड़ा है, फिर कनाडा है, फिर USA है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7वें नंबर पे आता है, जिसे मैंने बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया 7वें नंबर पे आता है। ठीक, लेकिन आबादी के हिसाब से नंबर 1 पे है, तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही लिया। अब एक चीज़ और ये देखते हैं कि ये पूर्व, अगर पूरब से पश्चिम की तरफ अगर देखें तो जो डिस्टेंस आती है वो 2,933 किलोमीटर के आसपास आती है। ठीक है, और जो उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की अगर देखें तो वो 3,214 किलोमीटर आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 2,933 किलोमीटर और 3,214 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो इंडिया का जो लोकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे इंडिया का वायु मार्ग कैसे चलता है। जैसे मुंबई एक इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है, यहाँ से सीरिया, साइप्रस, इधर बहुत जगह जाती है, कलकत्ता है, यहाँ से चेन्नई है, चेन्नई से इधर मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, इधर तक जाता है। दूसरा समुद्री मार्ग में देख रहे हैं कि यहाँ से ये सीवेज कैनाल होते हुए, स्वेज कैनाल होते हुए ऊपर मेडिटेरियन में जा रहा है, ये लाल सागर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्रॉस करके श्रीलंका, ये हम्बनटोटा, ये एक लाइन दिखाई गई है, ये एक मतलब पैसेज है, समुद्री मार्ग है, डॉट डॉट वाले जो दिखाए गए हैं ये समुद्री मार्ग है, और जो स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है ये एयर लाइन। ठीक है, तो भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना था, जैसे कि मैंने बताया कि हमने प्राचीन काल से ही ये सब चीजें, हमारा व्यापार जो है चलता रहा है, और बहुत सारे आपने सुना होगा कि रेशम मार्ग इंडिया में होते थे, चाइना से इंडिया, इंडिया से यूरोप, इस तरह से वो पर्वतीय मार्गों से बहुत सारे आते थे। और अगर देखें तो इन्हीं व्यापारों और इन्हीं यात्राओं के जरिए इंडिया का जो धर्म है बाहर बाहर विदेशों तक फैला। जैसे आप देखें कि बौद्ध धर्म का प्रसार यहाँ से तिब्बत के मार्ग से चाइना पहुंचा, और चाइना से आप देख रहे हैं कि बाहर जापान में और जो कोरिया है उस एरिया में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ वो सब इन्हीं यात्राओं के द्वारा ही हुआ, जो पर्वतीय मार्गों से हुई और जो समुद्री मार्गों से, जल मार्गों से जो यात्राएं हुई। अब इसमें देखें, प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का जो पश्चिमी, जो पश्चिम मध्य, ठीक है, जो हमारा वेस्ट मिडिल ईस्ट है, ठीक है, मिडिल ईस्ट, पूर्वी एशिया और पश्चिमी मध्य और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। ठीक है, तो पश्चिमी मध्य कौन सा हुआ, पश्चिमी मध्य एरिया जो हमारा ये है, ये वाला हो गया। ठीक है, और पूर्वी एशिया हमारा ये क्षेत्र हो गया, जो पूर्वी एशिया क्षेत्र हो गया, और उसके बाद बताया दक्षिणी एशिया। ठीक है, तो दक्षिणी एशिया में हमारे ये इंडिया हो गया, इंडिया के या श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, ये सारे जो हमारे दक्षिणी एशिया के भाग हो गए, तो इनके साथ इंडिया का संपर्क रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि उपनिषदों के द्वारा विचार इधर से उधर गए, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंकशास्त्र, दशमलव प्रणाली, मसाले, मन मलमल का व्यापार। ठीक है, आप अभी हाल ही में, जैसे मान लो आप सुन रहे होंगे न्यूज चैनल में कि प्रोजेक्ट मौसम एक पहल है, ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम। ठीक है, तो जो इंडिया का जो व्यापार था अपने आसपास के जो कंट्रीज थे, पड़ोसियों देशों के साथ जो इंडिया का व्यापार हुआ करता था प्राचीन काल में, तो उसको रिवाइव करने से, जिससे हमारे संबंध दूसरे देशों के साथ अच्छे हो सकें जिनके साथ हमारा पुराना व्यापार होता था, तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बिना यूनानी स्थापत्यकला, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो इंडिया में बहुत सारे जो स्थापत्य हैं, जैसे आगरा का किला हो गया और बहुत सारे जो हैं ताजमहल है, तो इसमें बहुत सारी जो डिज़ाइन है
वो आप देखोगे कि इसमें यूनानी का भी हाथ है, मतलब यूनानी स्थापत्य का भी उसमें मिला हुआ कुछ चीज़ें हैं। मीनारों और गुम्बदों को आप ईरान और जगह पे आप देख सकते हो, ठीक है। और आपने देखा होगा कि इन अंग्रेजों के टाइम पे जो छत्रपति शिवाजी का जो टर्मिनल है मुंबई में, तो वो भी एक गौथिक एक स्थापत्य कला है, उससे भी वो मिलता जुलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अपना सांस्कृतिक मेल जोल के साथ साथ हम लोगों ने स्थापत्य कला और संगीत, और आपने देखा होगा कि गंधार कला है और मथुरा कला है, इन सब में भी इंडिया का जो है दूसरे देशों से, पड़ोसी देशों से उसका प्रभाव हमारे कार्टन कल्चर पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जैसे मैंने बता दिया कि कौन कौन से पड़ोसी देश हैं इंडिया के, जस्ट जो बाउंड्री शेयर करते हैं, बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है, ठीक। तो अब इंडिया में कितने हैं, ऐसे 28 स्टेट हैं, 8 UTs हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य का भाग होते थे, अब वो दोनों अलग अलग यूटी हो गए हैं, और दमन दीव और नागर हवेली जो है वो एक मिलकर एक यूटी बन गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 8 UT हैं, ठीक है। तो भारत की जो भू सीमा है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से, ऑलरेडी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। अब देखो क्या पहले क्या होता था कि 1947 से पहले इंडिया में दो प्रकार के स्टेट थे, एक प्रांत था और एक रियासत थी, ठीक है। तो प्रांत में तो डायरेक्टली वायसराय के द्वारा नियुक्त जो अंग्रेजी अधिकारी हैं वो शासन करते थे। दूसरा रियासत में क्या होता था कि रियासत में शासकीय स्थापत जो राजा थे वो थे, ठीक है। वहाँ के जो स्थानीय राजा थे वो थे, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, ऐसे करके पैतृक जो प्रणाली थी उसके मतलब उसके आधार पर वो राज करते थे, लेकिन उनको अंग्रेजी जो शासक थे उनकी प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे, ठीक है। उसके मतलब उनको सुपीरियर मान के वो अपना स्वायत्त शासन करते थे, ठीक है। ऐसा इंडिया में होता था। अब जैसे यहाँ पर हाँ मैप दिखाया गया है, अब यहाँ पर और चीज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कर्क रेखा है कितने राज्यों से पास करती है, एक देखो आप गुजरात है, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 राज्यों से कर्क रेखा पास करती है, ठीक है। और जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मानक यामी उत्तर कैसे, तो मानक यामी उत्तर से मिर्जापुर के पास यहाँ से निकलती है, तो ये कहाँ से, यूपी हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्रा हो गया, ठीक है। हमको लग सकता है कि तेलंगाना से क्रॉस करती है, लेकिन तेलंगाना से क्रॉस नहीं करती। तो 1 2 3 4 5 5 राज्यों से हमारी मानक रेखा पास करती है, ठीक है, मानक यामी उत्तर हमारी पास करती है, ठीक है। हाँ अब ये जो द्वीप समूह है इनके बारे में बताया। अब ये यहाँ पे एक जल संधि पड़ती है, इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है। ये हमारा श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका से बीच में एक संबंध बनता है, ठीक है। और नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मालदीव है। अब देखो हाँ यहाँ यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि डिग्री चैनल क्या होते हैं, ठीक है। तो मालदीव और कवरत्ती, मालदीव, ठीक है, मालदीव जैसे ये है मालदीव, यहाँ पर एक मालदीव और मिनिका है, ठीक है, लिख लेते हैं ज्यादा बेहतर होगा। 8 डिग्री चैनल, ये जो डिग्री के नाम है ये अक्षांश रेखाओं से आए हुए हैं, ठीक है। तो 8 डिग्री चैनल नीचे पड़ेगा यहाँ पे मालदीव, और ऊपर पड़ेगा मिनिकॉय, ठीक है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है, और यहीं पे 9 डिग्री चैनल पड़ेगा किसका, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो और अन्य द्वीप पड़ते हैं उनके बीच में, ठीक है। 10 डिग्री पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, जो अंडमान और निकोबार, ये अंडमान द्वीप समूह है और ये निकोबार द्वीप समूह है, तो इनको जो डिवाइड करता है वो 10 डिग्री चैनल होता है। अब यहीं पर एक आता है 11 डिग्री चैनल भी, ठीक है। तो 11 डिग्री चैनल यही इस एरिया में पड़ता है, जो लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है जिसको बोलते हैं अमिन देवी, ठीक है, और इसके बीच पड़ता है कैननोर, कैननोर, ठीक है। ये PYQ में पूछे गए हैं इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, 11 डिग्री चैनल ये कैननोर और अमन देवी के बीच में पड़ता है, ठीक है। और एक चीज और कि यहाँ पर जो हमारा अंडमान आइलैंड्स है, अंडमान आइलैंड भी इस तरह से है, जैसे कि ये है नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न अंडमान, फिर ये है मिडिल अंडमान, फिर अब बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं है ऐसा सर्किल सा, फिर ये है साउथ अंडमान, फिर ये पड़ता है लिटिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद फिर पड़ता है 10 डिग्री चैनल, फिर यहाँ पर निकोबार आइलैंड शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो साउदर्न साउदर्न जो अंडमान है,
और जो लिटिल अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है, इसके बीच में जो चैनल पड़ता है इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। अब देखो एक चीज ये है कि ये जो 8, 9, 10 और 11, ये जो है ये चैनल है और ये पैसेज है, ठीक है। और यहीं पर एक इससे डंकन पैसेज से एक जुड़ा हुआ स्टेट है जिसको बोलते हैं मैनर्स स्टेट, जो मैनर हम लोग बोलते हैं ना वही सेम मैनर है, इसको बोलते हैं मैनर्स स्टेट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैनर्स स्टेट कहाँ किस एरिया पर पड़ता है? तो अंडमान निकोबार के पास पड़ता है और डंकन पैसेज से रिलेटेड है, डंकन पैसेज के पास ही पड़ता है, ठीक है। अब देखो एक पोर्टल है, स्कूल का पोर्टल है, इसको भुवन पोर्टल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, देश के जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जैसे मान लो जंगल है, ठीक है, पर्यावरण सतत विकास में उनकी जो भूमिका है उसके बारे में जागरूकता फैलाने, छात्रों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए इसको एक शिक्षा आधारित, मतलब एक एजुकेशन बेस्ड जो है, मैप बेस्ड एजुकेशन। जैसे मान लो कि आपको ये बताया गया कि इतना पूरा जैसे इंडिया है, तो इंडिया के इस एरिया में जो फॉरेस्ट जो है डेंसिटी ज़्यादा है, इस एरिया में फॉरेस्ट डेंसिटी कम है, इस एरिया में यहाँ पर पहाड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर ये रिवर पाई जाती है, तो इस तरह का जो एजुकेशन जो बताया गया है मानचित्र आधारित एजुकेशन के लिए इसरो और एनसीआरटी की एक पहल है ये, ठीक है। इसरो और एनसीआरटी की एक पहल है जो जिसका नाम है भुवन, ठीक है। तो आप जाएंगे तो इसरो की साइट पर आपको मिल जाएगा भुवन पोर्टल के नाम पर, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, और उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ये यहाँ त्रिपुरा से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हो गए? पहला राज्य हो गया गुजरात, दूसरा राज्य हो गया राजस्थान, तीसरा राज्य हो गया एमपी, चौथा राज्य हो गया छत्तीसगढ़, फिर हो गया झारखंड, फिर हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। अब भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, देखो यहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा हमें कॉमन सेंस भी देखना है। अभी इन्होंने क्या पूछा, पूर्वी, ठीक है। अगर हमें थोड़ा सा भी ये पता है कि इंडिया का जो मानक देशांतर है वो लगभग बीचों बीच से हमारे जाता ही है और वो 82 है, ठीक, तो एक तो वो बीचों बीच से जा रहा है तो ये नहीं होगा, तो इससे छोटे वाले हो ही नहीं सकते, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से एलिमिनेशन भी हमें कभी कभी लगाना पड़ता है। अभी यूपीएससी में तो लगभग खत्म है, बट आप लोग थोड़ा ये दिमाग में रखिएगा कि कभी कभी पैटर्न चेंज भी हो जाता है या पीसीएस में भी यूज कर सकते हो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? अब यहाँ पर उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है और सिक्किम भी है, ठीक है। अब सिक्किम और म्यांमार ये तो खत्म हो गया, ठीक है। भूटान, भूटान, उत्तराखंड ये भी खत्म हो गए। नेपाल, ठीक है, नेपाल, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि चीन होगा या नेपाल होगा, ठीक है। तो अगर आप चीन लोगे तो चीन में आपको उत्तर प्रदेश नहीं टच करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नेपाल, ठीक है। किस देश से आपकी सीमा टच करती है? तो चीन अगर लोगे तो चीन से यूपी टच नहीं करता है, चीन से उत्तराखंड टच करता है, ठीक। ग्रीस अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं, कवरत्ती कहाँ पड़ेगा? लक्षद्वीप में, ठीक है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप आंसर हो गया। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, ठीक है, भारत के साथ भूटान की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा लगती है, नेपाल की सीमा लगती है, तो इसका आंसर होगा तजाकिस्तान, ठीक। अब ये किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। उत्तर पश्चिम, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम हो गए। क्षेत्रफल, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, ठीक है, वो भी चार्ट में देखा आपने, रूस है, कनाडा है, यूएसए है, ठीक। और द्वीपीय देशों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब एक चीज और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। हाँ, अब जैसे पश्चिमी और पूर्वी तट के यूटीज के बारे में, यूटीज की संख्या, तो पश्चिमी तट पे मैंने बताया पश्चिमी तट में दादानगर हवेली पड़ता है, दूसरा हमारा लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है। पूर्वी तट में अंडमान निकोबार पड़ते हैं और पुदुचेरी का थोड़ा सा हिस्सा पूर्वी तट पे भी आता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल के आधार पर बड़े और छोटे राज्यों के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अगर सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य समय नंबर वन पे है राजस्थान, ठीक है, आरजे में लिख दे रहा हूँ, राजस्थान नंबर वन पे है। नंबर टू पे आता है हमारा एमपी, नंबर थ्री पे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, नंबर फोर पे आता है यूपी, नंबर फाइव पे आता है गुजरात,
ठीक है, पांच हम लोग याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और अगर सबसे छोटा राज्य की बात करें तो हमारे पास आता है क्या, गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य हमारा पड़ा आता है गोवा। ठीक है, और उसके बाद ये है कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को तट करते हैं, कौन से राज्य नहीं करते हैं। ठीक, तो आपने देखा भी समुद्र तट को स्पर्श करने वाले हमारे 9 राज्य हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो है अभी हम लोग थोड़ा सा काउंट करते हैं कैसे। अब जैसे गुजरात है, पाकिस्तान से टच करता है, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं राजस्थान है, पाकिस्तान से टच करता है, पंजाब हमारा पाकिस्तान से टच करता है। ठीक, फिर जम्मू कश्मीर, देखिए यहाँ पर हमें क्लियर हो जाएगा, पंजाब हमारा टच कर रहा है, जम्मू कश्मीर टच कर रहा है, और लद्दाख भी अभी टच कर रहा है। ठीक है, और अगर केवल अफगानिस्तान से देखें तो लद्दाख ही केवल टच करता है, चाइना से देखते हैं तो लद्दाख टच कर रहा है, हिमाचल कर रहा है, उत्तराखंड कर रहा है, ठीक, सिक्किम कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। ठीक है, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, यहाँ थोड़ा सा हमारा पश्चिम बंगाल भी टच करता है नेपाल से। ठीक है, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, ये टच करते हैं। ठीक है, म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर, ये वाला जो बाउंड्री है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ठीक है, ये टच करते हैं। और केवल अगर भूटान से देखें तो भूटान से हमारा सिक्किम टच करता है, असम टच करता है, और पश्चिम बंगाल भी टच करता है, तो भूटान से हमारे 3 राज्य टच करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा डिस्कस हो गया वाला क्वेश्चन भी। उसके बाद ये पाकिस्तान, चीन और म्यांमार, इनकी 4 राज्यों को हम लोगों ने देख लिया कैसे कैसे टच कर रहे हैं, कौन सी सीमाओं को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा मैपिंग वाला जो हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह हमारा, अरब सागर में लक्षद्वीप पड़ता है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार पड़ता है, भारत उपमहाद्वीप में किन कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारत उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, तो उपमहाद्वीप में कौन कौन से आएंगे, पाकिस्तान आएगा, बांग्लादेश आएगा, ठीक है, भारत तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा हमारा नेपाल आएगा और भूटान आएगा। ठीक है, तो ये देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। कर्क रेखा कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, हमने बता ही दिया, आज 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के मुख्य भूभाग का जो दक्षिणी बिंदु है कौन सा है, इंदिरा पॉइंट या फिर कन्याकुमारी में केप कोमरिन। ठीक है, उत्तरी, सबसे उत्तरी अक्षांश हम लोगों ने देखा, सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है, 37 डिग्री वाला जो है, 37 डिग्री 6 मिनट। अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिण, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, जो अगर दक्षिणी अक्षांश देखेंगे तो कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, ये भी ऑलरेडी किया हुआ है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तटरेखा वाला गुजरात, ऑलरेडी डिस्कस, भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि, पाक जल संधि, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों को थोड़ा सा देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा जीएन के ऊपर से लेके चलते हैं, उसके बाद लद्दाख, ठीक है, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर दादर नगर हवेली प्लस दमन दीव, ठीक है, उसके बाद पुदुचेरी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद दो हमारे हो गए, एक अंडमान एंड निकोबार हो गया, दूसरा हो गया हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, तो इस तरह से 8 हो गए हमारे यूटीज। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में एनसीईआरटी को इस तरह से डिस्कस करता हूँ कि आपको कोई नोट्स ना बनाने पड़े और इन्हीं वीडियो से आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और पुराने जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी 6th 7th और 8th क्लास को ऑलरेडी कवर किया जा चुका है तो उनको भी देख लें। धन्यवाद।